हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन 99 ऑल में। फ्रेंड, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप घरेलू यूज़ के लिए या कहीं भी यूज़ करने के लिए एक बैटरी पे चलने वाली एलईडी लाइट कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये लाइट बनाने के लिए आपको जो चाहिए उसके लिए आपको दो एलईडी प्लेट्स चाहिए, जिनके ये दोनों साइड वायर हैं, ब्लैक और रेड। ये प्लेट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएंगी, जो कि 50-60 रुपए की रेंज में होंगी। और उसके बाद आपको चाहिए एक वायर, जो कि थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। ये देखिए, मेरे पास एक वायर है जिसके एक साइड आपको ऐसा प्लग लगाना है, ठीक है, और दूसरी साइड आपको इसको ऐसे रखना है, ठीक है। और एक चाहिए सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा फ्रेंड, वो कोई हमें ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बाद में बताता हूँ वीडियो के एंड में कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम इन एलईडी प्लेट्स को इनकी जो दोनों वायर हैं, देखिए हमें इस पर दो वायर दिख रही हैं, ब्लैक और रेड। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ लेना है। ब्लैक के साथ हम ब्लैक को जोड़ेंगे। मैं जोड़ लेता हूँ उनको ब्लैक को ब्लैक के साथ। ये देखिए, और रेड के साथ हम रेड को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड, हमारे पास जो लंबे वाली वायर है जिसके साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये वाली, अब इसमें भी हमारे पास दो कलर की वायर है, ये जो रेड और ब्लू। हम रेड के साथ रेड को जोड़ेंगे। ये देखिए, हमने रेड के साथ रेड को जोड़ दिया। और ब्लैक वाले के साथ हम ब्लू वाली को जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब ये तारे अगर आपस में जुड़ जाएंगी तो शॉर्ट भी हो सकती हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि इसे हम, मेरे पास सेलो टेप है, मैं सेलो टेप का इस्तेमाल करता हूँ। तो आपके पास कोई भी अगर ब्लैक टेप भी होगी वो भी इस पर, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी तो सेलो टेप से, पर मैं सेलो टेप यूज़ कर रहा हूँ। हमें इसे सेलो टेप से कवर कर देना है ताकि ये शॉर्ट ना हो। और दूसरे वाली को भी हम ऐसे ही सेलो टेप से कवर कर देंगे। अब जो फ्रेंड, हमने इनको वायर को इस प्लेट्स की बैक साइड पे घुमा देना है ताकि ये वायर आगे ना आए। और अभी हमें इनको प्लेट्स को जोड़ना है। वो हम कैसे जोड़ेंगे, अभी हमारे पास दूसरी टेप तो है नहीं है, कोई और सामान भी नहीं है, तो हम सेलो टेप का ही इस्तेमाल करते हैं ये जो जॉइंट है इसको कवर करने के लिए। अभी हम इस पर भी सेलो टेप ही लगाएंगे। ये देखिए, इस पर ऐसे कवर कर देते हैं इसको, और बैक पे जो वायर का जोड़ है उसको भी हम इसी से कवर कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसको इसे कवर कर दिया है। अब ये प्लेट्स दोनों जुड़ गई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा जो जो हमने जोड़ डाले थे वो भी बैक पे आ गए हैं, और ये प्लेट्स एक सिंगल प्लेट बन गई है। अभी हमें आगे क्या करना है, इसको हम एक मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो फ्रेंड, कुछ भी करने से पहले पहले हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े कि ये सही तरीके से काम भी कर रही है या नहीं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसे आप डायरेक्ट आपके जो बिजली सप्लाई है उस पर यूज़ नहीं कर सकते।
इसको आप किसी बैटरी की सहायता से चला सकते हो, चाहे वो बाइक की बैटरी हो या किसी गाड़ी की बैटरी हो, कोई भी बैटरी की सहायता से इसे इस लाइट को चला सकते हो। चलिए मैं आपको इसको पहले चेक करके बताता हूँ और चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है, फिर हम इसे एक सेल्फी स्टिक पे कैसे इस पे इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसे चला के देख लेते हैं, आइए। तो फ्रेंड ये मेरी बाइक है, तो मैंने अपनी बाइक में जो बाइक के यहाँ पे जो बैटरी होती है उसमें मैंने एक ऐसी वायर लगा के जो फीमेल प्लग होता है वो यहाँ से बाहर दिया हुआ है। आप भी अपनी बाइक के साथ ये कर सकते हैं। बाइक बैटरी में दो पॉइंट्स होंगे, दोनों में से एक एक ऐसी तार बाहर निकाल कर उस पर यह प्लग लगा सकते हैं, इससे आपका जो लाइट वाला सोल्यूशन है वो हो जाएगा। चलिए हम इसे चेक करते हैं कि अभी ये काम कर रही है या नहीं। फ्रेंड ये देखिए, आप सोचते होंगे कि अभी ये काम नहीं कर रही है तो ये ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने ये देखिए, इसको हम इस साइड अगर काम नहीं कर रही है तो इसको ऐसे घुमा के दूसरी साइड लगाएंगे, ये देखिए अब ये काम कर रही है, जिसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा होती है आम लाइट से। तो हमारी ये जो हमने लाइट बनाई है ये वर्क कर रही है, हमने देख लिया, तो हम अभी इसे निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे सेल्फी स्टिक पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये अब हमारे पास लाइट है और ये सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक पे जिस पीस पे हम अपना मोबाइल या कैमरा लगाते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है कि इस लाइट को रखना है। लाइट का आप देखें कि इसका जो सामने वाला हिस्सा है उसे हम ऐसे सेल्फी स्टिक पे जहाँ पे मोबाइल रखते हैं तो उस पर ऐसे रख लेंगे। और अब भी ये लाइट क्योंकि इसमें जॉइंट है तो ये बैक वाली साइड दोनों पीस मुड़ भी सकते हैं। इसे हम सपोर्ट करने के लिए इस पे यहाँ पे बैक पैक सपोर्ट लगाएंगे। मेरे पास एक प्लास्टिक का पीस है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस सेल्फ स्टिक में यहाँ पे एक स्पेस है और एक यहाँ पे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक के पीस को इसको हम यहाँ से ऐसे ऊपर वाली साइड और नीचे से थोड़ा सा ऐसे उठा के इसको ऐसे लगा देंगे। इससे क्या हो गया कि अब इसको बैक पे सपोर्ट मिल गई है लाइट को, तो लाइट पूरी फिट हो गई है देखिए। और ये सेल्फी स्टिक की एक और आपको प्लस पॉइंट है सेल्फी स्टिक पे लगाने का कि इसके जो इस पे ये एक तो आप इसका कोई भी साइज कर सकते हैं स्टिक का, ये देखिए आपको पता ही है सेल्फी स्टिक का। और एक लाइट को आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, ये देखिए सब तरफ मुड़ सकती है लाइट, क्योंकि ये सेल्फी स्टिक सब तरफ मुड़ जाती है। जो मोबाइल पे सेल्फी स्टिक यूज़ करते हैं उनको तो सब पता ही होगा, ये देखिए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली हमने इसको सेल्फी स्टिक पे लगा लिया है, ये देखिए सेल्फी स्टिक पे ये लग चुकी है, लाइट तैयार है बिल्कुल, अभी हम इसे चला के देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे जो बाइक पे मैंने आपको प्लग दिखाया था इस पे लगा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड इसकी बहुत लाइट हो गई है, आप देख सकते हैं। मैं इस लाइट की तरफ अपना फेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे फेस पे पूरी लाइट पड़ रही है। इसे आप एमरजेंसी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस लाइट को। तो अभी आपको मैं एक बात और बता दूँ कि इसे सिर्फ बैटरी पे ही यूज़ कर सकते हैं, सीधा हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे सप्लाई होती है उस पे यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये जो प्लग मैंने आपको दिखाया है ये वाला, इस पे ये अगर हम थोड़ा सा इसे घुमा के भी लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। जैसे हमने ऐसे लगा दिया तो ये नहीं चल रही, अभी देखिए अभी हम इसे निकालेंगे और ऐसे घुमा के लगाएंगे तो ये चलेगी, ये देखिए। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिएगा। थैंक्स।